तो साथियों, अगर आप अपने स्नैपचैट अकाउंट से अपनी पब्लिक प्रोफाइल हिस्ट्री को फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब आपका स्नैपचैट पर जो पेज बना हुआ है, पब्लिक प्रोफाइल बनी हुई है, उसकी हिस्ट्री को आप फाइंड आउट करना चाहते हो, आपने अभी तक वहाँ पे कौन कौन से लोगों को फॉलो किया है, या फिर अपनी भाषा में कहें आपने क्या क्या वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, कौन सा आपने डेटा को डिलीट किया हुआ है, सारी की सारी हिस्ट्री आपको वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। आप क्या सर्च किए हो, आपने किस किस बंदे ने आपको फॉलो किया है, वो सारी की सारी हिस्ट्री आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो कैसे आपको अपने स्नैपचैट पब्लिक प्रोफाइल की हिस्ट्री को निकालना है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी, अदरवाइज आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तो सबसे पहले वो करना क्या है साथियों, यहाँ पे आपको आपके स्नैपचैट पर आ जाना है। जैसे ही आप अपने स्नैपचैट पर आ जाओगे तो यहाँ आपको आपकी प्रोफाइल पर आ जाना है। प्रोफाइल पर टैप करने के बाद यहाँ आपको आपके सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद आपको सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर देना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर दोगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा माय डेटा का, सिंपली आपको माय डेटा पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर देते हैं, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको क्या चाहिए भाई, पब्लिक प्रोफाइल हिस्ट्री चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पब्लिक प्रोफाइल, सीधी सी बात है पब्लिक प्रोफाइल हिस्ट्री आपको चाहिए है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको क्या करना है भाई, आपको केवल ये जो ब्लू टिक आपको दिख रहा है इसको नहीं हटाना है, सारे के सारे जो ब्लू टिक हैं आपको आगे की ओर दिख रहे हैं वो सभी को आपको क्या कर देना है, अनसेलेक्ट कर देना है। बहुत प्रॉपर तरीके से अनसेलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है साथियों, नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट कर दोगे तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई आप कब तक का चाहते हैं, मतलब कब तक की हिस्ट्री आप फाइंड आउट करना चाहते हो, एक हफ्ते की, लास्ट महीने की, लास्ट साल की, कब तक की चाहते हो आप। तो हम लास्ट वीक यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद आपको आपकी मेल आईडी देख लेना है एक बार कि भाई यही मेल आईडी या फिर आपकी जो भी मेल आईडी लगी होगी अकाउंट में, इस मेल आईडी पर स्नैपचैट आपको आपका डेटा जरूर देगा। वो डेटा जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे प्राइवेटली बहुत प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आपको करना क्या है, अब सबमिट कर देना। क्या करना है मेरे दोस्त, सबमिट कर देना है डायरेक्टली। सबमिट करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है। सबमिट आप जैसे ही कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर से वहीं जाके क्या ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे योर एक्सपोर्ट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा इन प्रोग्रेस, मतलब ये कि आपकी जो फाइल होगी वो अभी प्रोग्रेस में होगी, लेकिन आपको कम से कम 5 मिनट तक वेट करना है। 5 मिनट तक, जितना ज़्यादा आप पुरानी हिस्ट्री निकालोगे उतना टाइम आपको लग सकता है। अगर आप लास्ट हफ्ते की निकालोगे तो हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए, और अगर आप लास्ट मंथ की निकालोगे तो हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका जो डेटा है वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको मेल भी आ जाएगा, और मेल के साथ साथ यहाँ पे आप जैसे ही सी एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करोगे, ऐसा ऑप्शन आपको आ जाएगा, तो यहाँ आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन भी दिख जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये जिप फाइल है, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन किसी किसी मोबाइल फ़ोन में आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओगे क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन में अधिकतर सपोर्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए आपको आपकी मेल आईडी पर जाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग मेल आईडी पर चले जाएंगे डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है भाई। मेल आईडी कहाँ है हमारी, यहाँ पर मेल आईडी दिख रही होगी आपको। मेल आईडी पर हम लोग आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक मेल आई होगी, टीम स्नैपचैट डेटा इज रेडी फॉर डाउनलोड, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड माई डेटा पे क्लिक कर देना है। कहाँ क्लिक करना है मेरे दोस्त, डाउनलोड माई डेटा पे, सिंपली आपको डाउनलोड माई डेटा पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के एक वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा अकाउंट snapchat.com, सीधी सी बात है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है स्नैपचैट की, यहाँ से आपको अब अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। आपका जो भी अकाउंट है आप लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। मैं लॉगिन नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे डेटा डाउनलोड नहीं करना है, मैं आपको केवल एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका जो भी पब्लिक प्रोफाइल में जो भी आप एक्टिविटी किए होगे सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी अलग अलग फोल्डर में बनकर।
तो यहाँ पर साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को, पब्लिक प्रोफाइल हिस्ट्री को, स्नैपचैट पब्लिक प्रोफाइल हिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।